हाय एवरीवन दिस इज विरोनिका आज का टॉपिक डिस्कशन का है पांच स्पीशीज हैं फ्लाइंग स्कूल्स की स्कूल्स क्या होती हैं आपकी गिलहरी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील तो क्या दो वी केन मे अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दो स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं उत्तराखंड पी उत्तराखंड एस एस और GK, भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली जानने के लिए इनके बारे में अब देखिए एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई रिसर्च विंग उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और वहां पे रिकॉर्ड किया गया कि पांच डिफरेंट स्पीशीज जो है फ्लाइंग स्कूल की वो उत्तराखंड में पाई जाती है तो ये रिसर्च स्टडी का रिजल्ट है जो ऑब्जर्व किया गया देखा गया आप इसको प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं अब सवाल आता है कि ओके okay, गिलहरी तो सबने देखी है लेकिन ये उड़ने वाली गिलहरी गिलहरी क्या है फ्लाइंग स्कोल क्या है देखिए, दे आर नोन फॉर स्कोरिंग एनी वे फ्रॉम वन फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड फीट यानी इतना ऊंचा ये उड़ लेती हैं वन फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड फीट एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करते हुए ये अपने ग्राउंड प्रीडेटर्स ग्राउंड प्रीडेटर्स यानी जो इनका शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए ये अडेप्टेबिलिटी है कि ये ग्लाइड कर लेती हैं इतना 150 टू 500 फीट तक तो फ्लाई फ्लाइंग स्क्विल चाहे हम उनको बोलते हैं तो ये ऐसा उड़ती नहीं है बट इनकी ये ग्लाइडिंग कैपेसिटी रहती है अब फ्लाइंग स्क्विल्स की बात करें जैसे बर्ड्स और बैट्स उनके खुद के प्रोपल्शन के मीन्स हैं कि वो किस तरह से उड़ते हैं अब ये जो स्क्ल है इसकी ग्लाइडिंग एबिलिटी है वो भी किस वजह से एक फजी मेम्ब्रेन है जिसको हम पैटाजियम बोलते हैं जो इसके रिस्ट से एंकल्स तक जुड़ी होती है जिस तरह से आप देख सकते हैं इसके रिस्ट से एंकल तक जुड़ी रहती है और पटाजियम उसकी वजह से ये ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी इसमें आती है ये एक फ्लैप लूज स्किन का आपको नजर आएगा एक फ्लैप सा नज़र आएगा जो देखने में देखिए ऑलमोस्ट आपको ऐसा ये स्क्वायर सा फ्लैप नजर आ रहा होगा ये इसको एक्ट करता है एज अ हैंग ग्लाइडर जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप मारती है ये अपने लिम्स को इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से स्ट्रेच कर लेती है जिस वजह से ये इतना ग्लाइड कर पाती है अब फ्लाइंग स्कूल्स जो है ये अपनी एक आर्म को लोअर कर लेती हैं और इस पर एक इनकी बॉडी में इनके लिम्स में स्पेशली आप कह सकते हैं इस तरह की तो यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसका मैकेनिज़्म उड़ने का तो एक हाथ को लोअर करके और एक स्पेसिफिक कार्टिलेज इसमें रहती है जो इसको ग्लाइडिंग में हेल्प करती है और ये ऐसी कार्टिलेज है जो बाकी के ग्लाइडिंग मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होती जैसे मैंने बताया इसके रिस्ट से लेकर इसके एंकल्स तक जो इसको डायरेक्शन चेंज करने में मूव करने में हेल्प करती है अब जैसे जो एरियल प्रिडेटर्स हैं अब इसके ग्राउंड प्रिडेटर्स भी हैं जो ग्राउंड पे इसका शिकार करेंगे एरियल प्रीडेटर्स भी हैं जो हवा में शिकार करेंगे जैसे आउल्स हो गए अब ये जो क्रिएचर्स हैं वन एटी डिग्री फ्लिप ये मिड एयर में मार सकती है फ्लिप कर सकती है फ्लाइंग स्क्वेयर्स अपने जो मोशन इनका किस तरह से गाइड होता है इनके हैंड्स की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे और अपने फ़ीट की वजह से और इनके फ़ीट अपोजिंग डायरेक्शंस में हैं जो उनको लैंड पे जब ये लैंड करेगी तो सिक्योरली नीचे उतर पाएगी स्ट्रॉन्ग साइलेंट कुंड फीट की वजह से ऐसा नहीं कि इसको लग जाएगी तो इसके जो कुशन फीट हैं वो इसको लैंडिंग में भी हेल्प करते हैं कि एकदम साइलेंटली नीचे उतरेगी फिर इसकी अगर आप टेल देखेंगे टेल एकदम इसकी लंबी सी टेल है फ्लफी टेल है जो इसकी फ्लाइट को स्टेबल करती है तो मतलब फ्लाइट में ऐसे झटके नहीं खाती है इसको स्टेबल स्टेबिलिटी देती है और इसको ब्रेक लगाने में जब फ्लिप करती है तो ब्रेक लगाने में भी इसकी टेल इसकी हेल्प करती है तो इस तरह से आप इसका पूरा देख सकते हैं ये सदर नॉर्थ अमेरिकन फ्लाइंग स्कूल कोल दो पिक्चर है बट ऑलमोस्ट ऐसी ही फ्लाइंग स्कूल इंडिया में भी पाई जाती हैं स्क्वायर शेप ये फ्लैप आपको पूरा नज़र आ रहा है जो इसके रिस्ट से लेकर ये पूरे इसके एंकल्स का और ये इसकी टेल है जो पूरी फ्लाइट में इसकी मदद करती है फ्लिप करने में मदद करती है और पाँव में यहाँ पे कुशन फीट हैं इसके जिस वजह से ईजिली लैंड कर पाती है तो ये क्या काटलें जो आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं जो इसकी उड़ने में भी उड़ना राधर हम ग्लाइडिंग बोल दें उसमें हेल्प करती है यूजली कुछ फैक्ट्स रहते हैं फ्लाइंग स्कूल्स के बारे में बड़ी बड़ी आँखें होती हैं नाइट विजन के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया 150 फिफ्टी टू फाइव फीट तक ये ग्लाइड कर सकती है 180 एटी डिग्री फ्लिप मार सकती है टर्न कर सकती है कुछ फ्लाइंग स्कूल्स तो हमारे घर में जो हाउस कैट्स होती हैं उससे भी बड़ी होती है साइज में और रात को ये कई बार ग्लो भी करते हैं अब ये जो स्टडी हुई है डिपार्टमेंट रिसर्च फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च विंग है उत्तराखंड का उन्होंने ये क्लियर किया कि पांच डिफरेंट स्पीशीज उत्तराखंड में फ्लाइंग स्कूल की पाई जाती है इंडिया में ऐसी टोटल थर्टीन हैं, जिसमें से पांच आपकी उत्तराखंड में ही पाए जाएंगे इस स्टडी के बारे में बताऊं तो ये स्टडी अक्टूबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच में हुई है काफ़ी एक साल का ऑलमोस्ट आपका पीरियड है यहाँ पे तो इस तरह की पहली रिसर्च है जो आ, किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट के किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की है अब यहाँ पे रिसर्च का मकसद क्या है इनके हैबिटेट को समझना इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना थ्रेट्स को समझना और इनके लिए कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी निकालना तभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं ताकि हम इनकी पॉपुलेशन को मैंटेन कर सकें कंजर्व कर सकें अब देखिए डिफरेंट साइट्स पे इनको ऑब्जर्व किया गया जैसे आप देख सकते हैं रानी खेत देव प्रयाग रानी चौरी देवबान गोविंद वाइल्डलाइफ सेंचुरी और भैरल घाटी ये सिलेक्ट किए डेटा यहाँ से रिकॉर्ड किया गया अलग अलग पैरामीटर्स पे फॉरेस्ट कॉम्पोजिशन फिजिकल अपियरेंस कैसा है इनका नेस्टिंग बिहेवियर कैसा है अलग अलग फैक्टर्स पे इनको ऑब्जर्व किया गया बिहेवियर पैटर्न इनके देखे गए अब ये पांच स्पीशीज़ कौन सी हैं कश्मीर फ्लाइंग स्कूल है जो रानी खेत में इससे पहले पच्चीस साल पहले देखी गई थी वुली फ्लाइंग स्क्ल है पाकिस्तान में बीस साल पहले देखी गई थी इंडियन फ्लाइंग स्कूल है रेड फ्लाइंग वाइट बेलिड फ्लाइंग वाइट ये आप देख सकते हैं अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ लेते थे कश्मीर फ्लाइंग स्क्ल जो है आ, ये एक स्पीशीज uh, है रोडेंट इज अ स्पीशीज ऑफ रोडेंट इन फैमिली स्की स्की यूरिडे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है सो साइंटिफिक आर ऑलवेज डिफिकल्ट अब देखिए ये इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती है इसका हैबिटेट सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जो है वहां पे कश्मीर फ्लाइंग स्क्ल पाई जाती है अफगान फ्लाइंग स्क्ल इसकी एक सब स्पीशीज़ मानी जाती है फिर आपको इस तरह से एक वुली फ्लाइंग स्कूल मिलेगी वुली बिकॉज आपको इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे फ़र्ज नज़र आएंगे ये जीनस इसका है यू आ, यू पिटारस और ये नॉर्दर्न पाकिस्तान नेटिव यानी ओरिजिनली कहाँ पाई जाती थी नॉर्दर्न पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये इकलौती इस तरह की स्पीशीज़ है जो इस जीनस में पाई जाती थी लेकिन इसके बाद इस जीनस में और भी कुछ स्कॉल्स जो हैं वो डिस्कवर हुई लेकिन लंबे समय तक हम समझते इस जीनस में सिर्फ यही स्कॉल है अभी देखिए लेटेस्ट न्यूज़ थी जून टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की है कि दो नई स्पीशीज़ वुली फ्लाइंग स्क्यल की डिस्कवर हुई हिमालयस में तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ पहले वली फ्लाइंग स्कोल को इस जीनस की इकलौती स्पीशीज पाया जा माना जाता था, तो था दो हज़ार इक्कीस तक बट बाद में आप देखेंगे कि इसमें दो और इस जीनस में स्क्ल्स मिली जो दो नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं उसमें तिब्बतन वली फ्लाइंग स्क्ल है और यूनान वली फ्लाइंग स्क्ल है तो रिसर्च में ये भी मेंशन किया है कि तिब्बतन वली फ्लाइंग स्कूल जो है हिमालयन रीजन में आपको पाई जाएगी आ, मिलेगी भूटान और तिब्बत के पास और यूनान वली स्क्ल जो है ये आपको यूनान प्रोविंस जो साउथ वेस्टर्न चाइना का है वहाँ पर पाई जाती है फिर आ गया आपका इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्ल इसको लार्ज ब्राउन फ्लाइंग स्क्ल भी कहा जाता है या फिर कॉमन जॉइंट फ्लाइंग स्क्ल भी कहा जाता है ये भी स्काई यूरिडे फैमिली से बिलोंग करती है इसकी भी ग्लाइडिंग फ्लाइट है स्किन मेम्ब्रेन अपनी यूज़ करती है जिस तरह से मैंने आपको बताया और मेन लैंड साउथ ईस्ट साउथ एशिया सर्दन सेंट्रल चाइना में पाई जाती है फिर आपकी रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्ल है जिससे पिक्चर में आप देख सकते हैं ये भी स्कोल्स की फैमिली जो है स्काई यूरिड है उसी से बिलोंग करती है फॉरेस्ट टाइप की है फॉरेस्ट में रहती है जहाँ पे ज्यादा प्लांटेशन ओपन हैबिटाट्स होते हैं स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं ज्यादा डेंस एरियाज में नहीं पाई जाती हिमालय सर्दर्न एंड सेंट्रल चाइना में यूजली पाई जाएगी रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्ल जो है लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्ल्स में से है और लॉन्गेस्ट स्कोल भी इसको माना जाता है इसकी हेड एंड बॉडी का लेंथ ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव से 55 सेंटीमीटर तक होता है टेल लेंथ आप देख सकते हैं 34 फोर टू सिक्सटी सेंटीमीटर और वेट भी 990 टू थर्टी टू ग्राम के बीच में होता है और हर रीजन में मेल्स जो हैं वो स्मॉल uh, होते हैं फीमेल्स के कंपैरेटिवली में एटलीस्ट वेट में uh, अगर हम फीमेल से कंपेयर करें फिर ये स्कोल जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट बेलिड फ्लाइंग स्कोअल है और मीडियम लार्ज है ये साइज में 1950 से एल्बीवेंटर एक है उसको इसी का सब स्पीशीज़ इसको रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्ल का सब स्पीशीज़ जो है वो माना जाता था लेकिन बाद में पता चला ये अलग से स्पीशीज़ है अब इम्पॉर्टेंस फ्लाइंग स्क्ल की क्या है ये फॉरेस्ट इको सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं किस में पॉलिनेशन में सीड डिस्पर्सल में भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करना पॉलिनेशन तो ये दोनों जब कोई भी एनिमल कोई भी इंसेक्ट इस तरह का काम कर रहा है तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इको में उसके बाद विद टाइम हमने देखा स्कॉल्स हमको ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे मिलना भी शुरू हो गई इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया एज़ पर आल्टीट्यूड और डेंस फॉरेस्ट में भी मिलने लगी लो ऑल्टीट्यूड्स पे Uh, देखिए वैसे आपको यूजली स्कैटर्ड ट्रीज़ के पास मिलेंगी बट धीरे धीरे इनका प्रेजेंस डेंस फॉरेस्ट में भी आपको मिलेगा तो यही बात थी उत्तराखंड के पांच जो अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं फ्लाइंग स्कूल्स की फ्लाइंग स्कूल्स क्या होते हैं किस तरह से फॉर्मेशन है कैसे ग्लाइड करती हैं वो हमने पढ़ा एग्जैक्टली exactly उड़ती नहीं है कंसीडर द फॉलिंग ब्लैक नेक क्रेन चीता फ्लाइंग स्कूल्स स्नो लेपर्ड विच ऑफ द बवर नेचुरली फाउंड इन इंडिया तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम पर बताइए कमेंट uh, वहाँ पे पोल पे पार्टिसिपेट करके बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए ई पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच